हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज मैं चलाने आया हूँ रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी 650। अब देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा छोटा नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा स्क्रू अप हुआ है कि वीडियोग्राफर आया हमारा मयूर, पर हमें शूट करने बहुत लिमिटेड टाइम मिल रहा है, जो बहुत वियर्ड है। क्योंकि अगर मैं बाइक ज़्यादा चलाऊँगा और शूट नहीं करूँगा तो आप कैसे जानोगे कि बाइक कैसी है। इस वजह से अब मैं जल्दी से भाग रहा हूँ, मैं अपना जैकेट वैकेट सब पहन लूँगा, वहाँ पर मिलता हूँ आपको, स्टे ट्यून्ड। और हमने चाबी डाली, GT 650 स्टार्ट हो गई बाइक। रेव करते इसको, बहुत ही स्वीट साउंड है इसका। तो थम तो नहीं है इसको, पर साउंड तो काफ़ी स्वीट है इसका। अब चला के देखते हैं यार बाइक को, मेन इसीलिए आए हैं हम। निकल गई, अच्छा टॉर्क दे रही है। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और आराम से सेकंड गियर में चल रही है। दोस्तों, इस बाइक की प्राइस क्या एक्साइटिंग निकाली है, 2.5 लाख एक शोरूम। क्या प्राइसिंग है, 3 लाख के अंदर है इसका ऑन रोड प्राइस, बहुत बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए, ये इंजन जो दिया हुआ है ना 650 सीसी का है, और ये पहले बार इन्होंने 2 सिलेंडर इंजन निकाला है पिछले 10-15 साल के अंदर। पहले इनकी बाइक आती थी, ये 47 BHP है और 53 न्यूटन मीटर टॉर्क है। पर ये पावर ऑल अगर आप नहीं देखे तो बेहतर है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड 0-100 ना ऑन पेपर पावर के लिए जानी जाती है, वो जानी जाती है अपने टॉर्क के लिए, अपने राइड के लिए। अब देखिए, यहाँ से मैं बाहर जाने वाला हूँ बहुत जल्द, और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे मैं इसको सेकेंड गियर में उठा के देखूँगा क्या टॉर्क देता है, क्योंकि नॉर्मली दूसरी बाइक स्ट्रगल करती है और ये बाइक आराम से निकल गई। देखिए, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से निकल गई बाइक, और बहुत मज़ा आता है ये बाइक चलाने को। मेरे हिसाब से कॉन्टिनेंटल GT जो है उनके लिए सूटेबल है, जिनको थोड़ी अग्रेसिव सीटिंग चाहिए। मेरे हाथ काफ़ी लो है और मैं इधर आराम से बैठा हुआ हूँ कंफर्टेबली, पर मुझे थोड़ा अग्रेसिव नहीं पसंद है, मुझे इंटरसेप्टर की तरह सीटिंग पसंद है। अब ये बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स आता है, शिफ्ट्स इसके डिसेंट है, और ओवरऑल जो क्लच है वो भी लाइट है, पर कहीं कहीं खास करके फर्स्ट और न्यूट्रल में थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हो रही थी। मुझे नहीं पता सबको होगी, थोड़ा वहाँ पे बेटर हो सकता है। पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बाइक की जो पावर है, जो टॉर्क है, बहुत बढ़िया है, और इसको कितने भी ख़राब रास्तों पे चलाओ तो भी आपको दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए रॉयल एनफील्ड जानी जाती है लॉन्ग कंफर्टेबल क्रूजिंग के लिए, और ये बाइक भी वैसी है। देखिए, अब मैं इसको रेव कर रहा हूँ, नॉइज़ तो बहुत अच्छी है इसकी, और जो रिस्पॉन्स ये दे रही है, अब मुझे लग रहा है कि 350 या 500 CC की बाइक क्यों लेनी है, ये ही लेने की है। ये बेस्ट चॉइस है मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पावर, बहुत प्यारा, बहुत ही लीनियर पावर, बहुत मज़ा आ रहा है इसे चला के, और टॉर्क ऑलमोस्ट हर रेव रेंज में अवेलेबल है इसमें। अब देखिए, ये 6-speed गियरबॉक्स है, पर इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर नाम की चीज़ नहीं दी हुई, ये काफ़ी रेट्रो काइंड ऑफ बाइक है, तो एकदम सिंपलिस्टिक चीज़ें दी हुई है। जो फीचर्स काम के हैं वो ही इसमें डाले गए हैं, इस वजह से इसकी प्राइसिंग इतनी अट्रैक्टिव है, और प्राइस जानने के बाद तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू राइड दिस बाइक। बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस बाइक की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत बढ़िया है। और अब हम चलते हैं टू द हाईवे। हाईवे पर ये बहुत बढ़िया चलती है। एक चीज़ का मुझे जो टेंशन था वो ये था कि इसका इंजन जो है काफ़ी क्लोज है मेरे नीज़ के, और वो हीट अप ना हो जाए, पर वो हीट अप नहीं हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है इधर। यहाँ पे एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन होने के बावजूद कुछ हीट नहीं आ रहा है मेरे पैरों पे, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ चलाने को। मन कर रहा है ये रास्ता ख़त्म ही ना हो और हम चलते रहे। एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि ये बाइक का टॉर्क बहुत अच्छा है, आप 80-100 के स्पीड पे भी पूरा दिन कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, और इसकी हैंडलिंग एट हाई स्पीड्स काबिले तारीफ है। पिरेली के टायर्स इसमें जो यूज़ किए गए 18 इंच के, बहुत बढ़िया हैं, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट हैंडलिंग रॉयल एनफील्ड है इंडियन मार्केट में। इनफैक्ट ये बेस्ट रॉयल एनफील्ड है अगर आप ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें।
अब दोस्तों इसके साथ में ये भी बता दूं, इसके ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। हमने इसका ब्रेक्स काफ़ी बार प्रेस किया था और बहुत मस्त चल रही थी बाइक तभी भी। बबल नॉइज जो आता है इसका बहुत अच्छा है और पैकेज बहुत ही अट्रैक्टिव है ये। यहाँ पे एक दो चीज़ें जो मेरे हिसाब से नहीं दी गई है वो है, इसको मेन स्टैंड नहीं आता है, साथ में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 174 mm का है, एंड द बिगेस्ट सोर पॉइंट जो है कि इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज नॉट इवन 15 liters, 13.5 के आसपास है इसका फ्यूल टैंक, और मेरे हिसाब से ये आपको बहुत ज़्यादा माइलेज तो देगी नहीं, तो 20 से 25 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मैं एग्जैक्ट फिगर फ़िलहाल मुझे नहीं पता है, और इस वजह से मैं कहूँगा कि रुक जाइए कुछ समय तक ताकि हम आपको असली पूरा टेस्ट करें जब ये बाइक हमें मुंबई में मिलेगी। पर फ्यूल टैंक तो बड़ा होना चाहिए था, जब आप ट्विन सिलेंडर इंजन दे रहे हो और आप एक क्रूज़र मोटरसाइकिल बनाते हो या लॉन्ग डिस्टेंस मोटरसाइकिल बनाते हो तो उसको एटलीस्ट बड़ा फ्यूल टैंक तो मिलना चाहिए। अब ऑलरेडी बाइक के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ लेकिन बाइक तो मैंने आपको दिखाई नहीं है दोस्तों, तो चलिए स्टॉप करते हैं बाइक एक अच्छी लोकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरी बाइक। दोस्तों रॉयल एनफील्ड फाइनली बहुत ही बढ़िया बाइक लाया है, चलाने में बहुत मज़ेदार है। अब अगर आप इस बाइक को देखेंगे ना तो ये कॉन्टिनेंटल GT 535 वाले की तरह काफ़ी हद तक लगती है, तो उसका लुक बहुत मायने रखता है। और मैं आपको बताते हैं बाइक का फ्रंट जो देखेंगे ना, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसको राउंड हेडलैम्प दिया हुआ है। इस बाइक में आपको LED नहीं आता है, रेगुलर लाइट आती है येलो हैलोजन बल्ब, और आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इसमें। एट द सेम टाइम कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है 320 mm का विथ स्पोक्स। अब जब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये ट्विन डायल्स हैं, एनालॉग है, और सिर्फ ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज इसका डिजिटल है। साथ में जब आप इसका मिरर्स देखते हैं तो मिरर्स भी राउंड है, और पहली बार इसमें वाइब्रेशन नहीं है जिसकी वजह से आप पीछे एक्चुअली देख सकते हैं क्या हो रहा है आपके जब भी आप हाई स्पीड पे भी जाएं। साथ में ये बाइक को जो है क्लिप ऑन हैंडल बार्स है, क्लिप ऑन यानी कि ये क्लोजर है और लोअर है जिसकी वजह से आप थोड़ा और अग्रेसिव पोजीशन में बैठते हैं। जब आप इस बाइक का साइड प्रोफाइल देखते हैं तो ये काफ़ी हद तक कॉन्टिनेंटल GT जैसी ही लगती है। ऑफ कोर्स इट लुक्स अ लॉट मोर बिगर, ये वाइडर है, इसको नया फ्रेम दिया हुआ है जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा बाइक के बारे में कि जो इसका क्रैडल है, जो फ्रेम है, वो पहले से ज़्यादा चौड़ा हो गया है जिसकी वजह से ये बाइक में आपको ज़्यादा विथ मिलती है जो ग्रिप आपको ज़्यादा अच्छा देता है ऑन द रोड। इसके टायर्स भी ज़्यादा थिक हैं, पिरेली टायर्स आते हैं, और रॉयल एनफील्ड कहता है कि ये जो टायर्स हैं ये स्पेशली डेवलप किए गए हैं फॉर द टू ट्विन बाइक्स, और ये पिरेली ने ही खास डेवलप करवाया। तो रॉयल एनफील्ड जो बाइक बना रही है ऐसे नहीं कि इंडिया में कुछ और दे रहा है, दूसरे देशों में कुछ और दे रहा है, सब जगह सेम बाइक ही ऑफर कर रहे हैं वो, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, हर चीज़ में। और जो टॉकिंग पॉइंट वो है इसका इंजन जो थोड़ा बाहर इंट्रूड करता है, लकीली जब आप इस बाइक पे बैठते हैं तब वो आपके पैर को टच नहीं होता है, और टच होने पे भी वो गर्म हवा नहीं आती आपके पैरों पे, जो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। साथ में जब आप इसका रियर एंड देखेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी लुकिंग। इस बाइक को ड्यूल चैनल ABS है, और साथ में इसका जो सीट है इसमें आपको एक ऑप्शनल सीट आती है जिसमें केवल एक जना ही बैठ सकता है, जो दूसरी कॉन्टिनेंटल GT में भी आप कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो शायद ऐसा सीटिंग पोजीशन आपके लिए नहीं बनाया गया, आप इंटरसेप्टर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आपको रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 लेनी चाहिए या नहीं। जवाब बहुत ही आसान है, बाइक की प्राइसिंग काफ़ी अग्रेसिव है और ये ऑलमोस्ट 500 से मैच करती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब आपको सिंगल सिलेंडर मिल रहा है एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, थोड़ा आपको ट्विन सिलेंडर मिल रहा है। इसका वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, चलाने में बहुत ही मज़ेदार है, एंड मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट पैकेज टू कंसिडर। तो अगर आप मार्केट में आए हो एक बाइक लेने को जो 3 lakh से ज़्यादा है और इट्स ट्विन सिलेंडर, तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लोकली बिल्ट,
वेल बिल्ट होपफुली, और रिलायबिलिटी का तो मैं अभी फिलहाल कह नहीं सकता हूँ, पर लग तो काफ़ी बढ़िया रही है बाइक, एंड एज अ प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको अग्रेसिव राइडिंग की आदत नहीं है तो ये बाइक आपके लिए नहीं है, पर अगर आपको थोड़ा वो लो बैठ के चलाने में मज़ा आता है और ट्विन सिलेंडर चाहिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस, तो इससे बेहतर आपको मार्केट में फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए, वरना आप मिस कर रहे काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़ और कंपैरिजन। दोस्तों मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ।